तहलले मैदान में जो रैली हुई उसमें उस, उस गठबंधन के जितने भी नेता थे उन्होंने मुश्किल तीन बातें कही और मुश्किल नहीं कहूँगा कुल मिलाकर तीन बातें कही कि लोकतंत्र खतरे में है संविधान खतरे में है देश के नागरिक की आजादी खतरे में है राहुल गांधी ने कहा कि अगर ये सरकार दोबारा आ जाती है तो संविधान बदल देगी और देश टोकरेड हो जाएगा पहले तो माफ करिएगा रैली नहीं थी भ्रष्टाचार का फ्लॉप शो था रैली शब्द की परिभाषा आप किसी भी शब्द को उठा के देख लीजिएगा बिल्कुल रैली नहीं थी वो वीडियो हम सबने देखा है पर राहुल गांधी जी के उद्बोधन में कुर्सियाँ एकदम खाली हैं, जनता का जीरो सपोर्ट है इंडिया अलायंस को और ये जितने भी इन्होंने आरोप लगाए हैं कुछ नहीं है चोर चोर मसेरे भाई एक दूसरे का भ्रष्टाचार छुपाने का जो इन्होंने चोरी कर ली उस पर अब ये सीना जोरी कर रहे हैं इसीलिए इस प्रकार के आरोप लगाते रहते हैं लोकतंत्र कतई खतरे में नहीं है जैसे मैंने आपको कहा अगर विपक्ष के नेता जेल में हैं और अगर उन्हें बेल नहीं मिल रही इसमें भाजपा की कोई भूमिका नहीं है बेल मिलना ना मिलना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है तथ्यों को देखकर इस देश की कचहरियां ये फैसला कर रही हैं कि बेल नहीं मिलनी चाहिए और जहां पर उनको लग रहा कि बेल मिलनी चाहिए दे रहे हैं ना तो मैं वही कह रही हूँ चिट भी मेरी पट भी मेरी कैसा हो सकता है और ये भी पूछना चाहूंगी मैं जानती हूं कि विपक्ष का भाजपा पर भरोसा नहीं है इस देश की कचहरियों पर तो भरोसा है